عليكم. الحمد لله الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وَحَلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن هو إلا ذكر للعالمين. أسين कुरान सारे जहान वाले हमारे ते नसीहत बना दिता है। हर किस्म दी हमदो सलाम अल्लाह रब रहमान वास्ते बेशमार अनगिनत दुरूदो सलाम सैयद अल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामी थी। अल्लाह अपने सोने पैगंबर उत्ते करोड़ा रहमतां दे नज़ूल फरमाए। साथियो बुजुर्गो भाईओ अल्लाह मालिक दी तौफीक दे नाल मैं गुनहगार ने कुरान पाक दी कैथे मुबारक तुहाडे सामने पढ़ी है। दुआ करो अल्लाह पाक सही माने अंदर बयान करन दी तौफीक अता फरमाए और मैनू और तुसानू अल्लाह सबना नू सुन सराग ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह बड़ी खुशकिस्मती दी बात है एक छोटी जी बच्ची ने कुरान पढ़िया और उन्हें कुरान पढ़न दी खुशी दे मौके से ये प्रोग्राम रखा गया। दुआ करो अल्लाह उस बच्ची का कुरान पढ़ना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा ले और जिन्हें पढ़ाया अल्लाह उन्होंने पढ़ाना कबूल फरमाए। पढ़न वाला भी चंगा है ते पढ़ान वाला भी पढ़न वाला भी आला है ते पढ़ान वाला भी। नबी पाक फरमाते ने अफजलु कुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। तुहाडे जो सब तो अफजल बंदा हो जिहड़ा कुरान सिखदा ते सिखांदा और दूसरे मुकाम से आप फरमाते ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। तुहाडे जो सब तो चंगा बंदा हो जिहड़ा कुरान सिखदा ते सिखांदा है। दुआ करो अल्लाह पाक सानू सिखन सिखाण दी तौफीक अता फरमाए। सिखाण वाला भी चंगा और सिखण वाला भी चंगा और जिहड़ी किताब एक कायनात दियां सारियां किताबां नालों चंगी सारे जहान दे विच अल्लाह पाक करीम कुरान वर्गी कोई किताब नाज़िल नहीं की थी। बस एक ही किताब अल्लाह ने नाज़िल करके रहिंदी दुनिया तक इन हदायत का सर चश्मा बना दिता है। कुरान बड़िया खूबिया वाला बड़े मुकाम वाला अल्लाह कोल सब तो जिहड़ी चंगी शै सी ना वो अल्लाह का कुरान सी जिहड़ा उन्हें अपने बंदियां नूं अता फरमा दिता है।
हुन दुआ करो अल्लाह सानू दी कदर दी तौफीक अता फरमाए। कुरान दी कदर ता होएगी कि बंदा इहदे नाल प्यार करे, कुरान दी कदर ता होएगी बंदा प्यार दा दावा भी करे ते कुरान नू अपनी जिंदगी अंदर शामिल भी कर ले। जदों कुरान जिंदगी अंदर शामिल होएगा ना उदों ही रंग लगणगे। असल कुरान अल्लाह फरमांदे ने असी कुरान दे अंदर तुहाडे वास्ते वास्ते नसीहत नाज़िल फरमा दित्ता है। कुरान जिहड़ा है ना ये समझ के पढ़ना चाहिए। अल्लाह सानू तौफीक देवे कि असी कुरान का तर्जमा ही पढ़ लईए। अल्लाह सानू कुरान नू समझन दी तौफीक अता फरमाए। अज मेरा दिल करदा तुहाडे सामने कुरान दीआं 10 खूबियां बयान करां। दुआ करो अल्लाह पाक सही माने अंदर बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। वैसे तो मौजू एको जे अल्लाह जानदा मैं 4-5 जुमे पढ़ा चुके हैं। मेरे भाई अब्दुल हफीज इस्लामिक सेंटर वाले इब्तिसाम भाई आए ने। अल्लाह पाक इन्हों की मुहब्बत कबूल फरमाए। इन्होंने चैनल से मौजूद ने बहर कैफ। अज मैं तुहाडे सामने कुरान दीआं 10 खूबियां बयान करनियां ने। दुआ करो अल्लाह सही मानियां चो बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। सब तो पहले याद रखिया जे कुरान अजली किताब है। अगली किताब जहान बनया कोई नहीं। अल्लाह पाक ने पहले ही कुरान दियां तलावतां फरमा दित्तियां ने। मैं नहीं कहंदा अल्लाह पाक ने अपने महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दे नाल बारी तारा गल्लां फरमा रहे ने। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दा नाम आवे ओ जंड वाले आम चुप करके नहीं बैणा। मेरे मुहम्मद दा नाम आवे ते मेरे मुहम्मद ते दुरूद पढ़ देना। ओ सारे पढ़ो दुरूद रसूल उत्ते। ओ सारे पढ़ो दुरूद रसूल उत्ते। रब पढ़न दा हुक्म सुना दिता ओनू पता सी कईयां ने नहीं पढ़ना। ताइयों बेच नमाज दे पा दिता। आप पढ़े मलका भी पढ़न सारे और सानू पढ़न दा हुक्म सुना दिता। और जंड वाले सारे खुश हो जाओ सानू मुहम्मद दा नौकर बना दिता। कोई किसे दा नौकर कोई किसे दा नौकर कोई जनाब मेलियां ते जाके बह जांदे ने। खुश किस्मत लोग ने अल्लाह पाक चौके आपके घर मस्जिदा चो बिठा देंदे ने। अल्लाह को अकबर अल्लाह अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद सोने आम असी जेड़ा तेनू कुरान दिता। अल्लाह फरमांदे ने इन्नहु लकुरआनुन करीम। मेरे महबूब मैं तेनू इज्जत वाला कुरान दिता। कुरान भी इज्जत वाला साहिबे कुरान इज्जत वाला कुरान में शान वाला ते साहिबे कुरान में शान वाला कुरान में अजमत वाला साहिबे कुरान में अजमत वाला। अल्लाह छोड़िया एक कुरान कदों दा अल्लाह पाक फरमांदे ने इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताबिन मकनून ऑल ऑफ लोहे महफूज जो लिखे आया। अल्लाह पाक ने जदों सारा जहान बनाना सी अल्लाह ने कलम बना दिता ना। अल्लाह फरमांदे ने आ कलम लिख लिख उकतुब उकतुब ओए लिख दे लिख दे लिख दे ए कलम कहंदी अल्लाह सोणिया मैं की लिखणा। अल्लाह पाक फरमांदे ने कयामत तक जो ना लिख देना ओते फिर अल्लाह पाक ने कुरान नु ही लिखवा छड्या ए। अल्लाह दा कुरान कहंदा ओए गौर करी जंड वालिया दे बासिया हदर गौर करी। अल्लाह फरमांदे ने फी किताब मकनून मैनू लोहे महफूज चो लिख दिता। सब तो पहले अल्लाह पाक ने लोहे महफूज चो कुरान नू लिख दिता ना। उतो थोड़ा थोड़ा करके अल्लाह ने मेरे मुहम्मद दे सीने उत्ते नाज़िल फरमा दिता।
मालूम होया के कुरान अगली किताब है, मालूम होया के कुरान अगली किताब है। कुरान दी पहली खूबी, कुरान अगली किताब है, कुरान दी दूसरी खूबी अल्लाह पाक ने कुरान दियां बड़ियां खूबियां बना छड़ियां ने। दूसरी खूबी है अल्लाह ने कुरान नु महफूज किताब बना दिता है। कुरान दियां अल्लाह पाक ने आप ही फातिहा फरमाईयां ने। अल्लाह दा कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। मेरे महबूबा दस दे इन्हां लोकां नु दस दे अल्लाह छोड़िया की दसना है। अल्लाह फरमांदे कुरान नु नाज़िल भी मैं कीता तेंदा मुहाफ़िज़ भी मैं रब्बा पाम। नाज़िल भी मैं कीता ते मुहाफ़िज़ भी कहीं कुरान नु अल्लाह ने नाज़िल करके हिफाज़तां फरमा दित्तियां। जे कुरान दी हिफाज़त ना हुंदी जिवें तौरात आई बदल गई, अंजील आई बदल गई, ज़बूर आई बदल गई, सकीफे आए बदल गए, पर कुरान दी ज़बर से जुमी फर्क नहीं आया। अल्लाह ने कुरान दी हिफाज़त वास्ते अल्लाह ने जमातां तैयार कर छड़ियां ने। बल हुआ आया तुम बयीनात फी सुदूर लदीन उतुल इल्म। अल्लाह पाक फरमांदे ने लोगों अगर कुरान किताबी शक्ल चो ना भी हुंदा ना, अगर मुसहफ दी शक्ल चो ना भी हुंदा ते मैं रब तावी कुरान दियां हिफाज़तां फरमा दिंदा। सीना बस सीना चलन वाली किताब अल्लाह ने लोकां दे सीने अंदर बंद कर दीती है। अल्लाह पाक ने एक तैं दे मतन दी फात कीती, दूसरा अल्लाह पाक ने इंदी किताबी शक्ल अंदर भी हिफाज़तां फरमा दितियां ने। तुहानू बंदे लभणगे जिन्हां कुरान नू मिटाण दियां कोशिशां कीतियां पर नहीं मिटा सके। आप मिट गए, कुरान बच गया, कुरान नू जलाण दियां कोशिशां कीतियां आप जल गए, कुरान बच गया। अल्लाह को अकबर। अल्लाह एक किताब मिटन वाली नहीं, इनु पानी मिटा नहीं सकदा, इनु कोई धो नहीं सकदा। अल्लाह दे पाक पैगंबर एक दिन सुते हुए ने आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते ने सही मुस्लिम दी रवायत। आप रोज एक दिन मेरा सुत्ता सा ते सुत्या सुत्या मेरी अल्लाह नाल मुलाकात हो गई। जाग दिया अखा ने नहीं कोई फतवा ही ना ला दे, सुत्या मेरे नबी ने अल्लाह नाल मुलाकात कीतिया ने। जाग दिया नहीं ला तुदरी कुगुल अबसार। अल्लाह कहंदे ने मैनू कोई अक तक ही नहीं सकदी सुत्यां सुत्यां ते मेरे नबी दा सौण कोई मेरे ते तेरे वांगू सी। अखां सुत्तियां ने दिल जागदा ए, ओए तारे दिल दी दूर पुचार ने। आप दियां ते मुबारकां मेरे नबी सुत्ते हुंदे ना, आप दियां अखां सुत्तियां हुंदियां मेरे मुहम्मद दा दिल जागदा हुंदा। असीं तां सौ जाने ते पता ही नहीं लगदा। एक जगह ते ना थोड़े दिन पहले मैं तकरीर करने गया ते इधर पत्तों की वाली साइड ते कोई पिंड सी ते मौली साहब मैंने दसण लगे असी सुते पैसा चोरा साड़ी कंध भनी भन के समान कढ लगा ते सानू पता ही कोई ना लगा साड़ी अंदर तो एहो जी है ना। पर नबी पाक दा सोना मेरे मुहम्मद दे सोने दियां क्या बातां, अखां सुत्तियां ने दिल जागदा ए, और तार दिल दी दूर पुचार ने। मेरे नबी दा सोना भी बड़ा अजीब, अल्लाह दे पाक पैगंबर आप फरमांदे ने मैं रब नाल मुलाकातां कीतियां ना। अल्लाह पाक मैनू फरमांदे ने ऐ मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल तू नहीं का किताबन लायक चिलू गुल माम। मैं तेनु कुरान दिता है ऐको जी किताब दिती है जिनू कोई मिटा नहीं सकता, जिनू कोई खत्म नहीं कर सकता। गड्डिया सड़ जांदियां ने कुरान बच जांदा, मकान सड़ जांदे ने कुरान बच जांदा, अग्गां लगदियां ने कुरान बच जांदा, शराब आंदे ने हर शहर रुड़ जांदी अल्लाह कुरान दियां हिफाज़तां फरमा दें देने।
बल्कि कुरान की वजह करके लोग भी बच जाते हैं। अकेला सैफुल्ला आज जो सैलाब आया है इन्होंने घर चो कुरान करके अन करके सैलाब के रस्ते अंदर रख दिते ना, और वेखण वाले ने वेख्या है जमीन फट गई ना, पानी थले चला गया, कुरान आप भी महफूज है। अल्लाह कुरान की वजह करके लोगों को ही महफूज फरमा देंदे ने। कुरान दी दूसरी खूबी अल्लाह पाक ने इन्हों महफूज किताब बना दिता है। कुरान दी तीसरी खूबी अल्लाह पाक ने आ जड़ा कुरान मैनू ते तेनू दे छड़िया, अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा आ जड़ा कुरान असी तुहानू दे छड़िया ये किसी बंदे दा गनाब लिखिया होया नहीं, ये मखलूक नहीं, ये कुरान की है। अल्लाह पाक फरमांदे ने वक़द कान पूरी कुमिन يسمعون كلام الله ثم يحرفونه لوگوں سن لو قران اے ساڈی صفت ہے، قران ساڈی صفت ہے، قران نو اللہ نے کلام اللہ بنا دتا ہے، कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है। राज लिख के ले जा कुरान अल्लाह की मखलूक है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह की सिफत है। अल्लाह को अकबर अल्लाह, और तेन गल दसा ते अजीब समझे और साडे विच ए उम्मत दा इजमा है जिवें रब की कसम खाना जाए देवे कुरान की कसम खाना जाए दे ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਇਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਖਲੂਕ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ। ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ ਸਨ ਉਹ ਵਕਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮਖਲੂਕ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਨੋ ਮਰ ਸਕਣਾ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਉਮਤ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਉਮਤ ਉੱਤੇ इमाम अहमद बिन हंबल दा एहसान है। इमाम साहब कहंदे ने चमड़ी उतड़ सकदी है, एक कोड़े मारन वाला कोड़े मार मार के थक जांदा है, और एक जनाब इमाम बयान करदा मैं उस कोड़े नु पकड़ के देखिया एडा वजनी कोड़ा अगर हाथी नु मार दिता जाते हाथी लूसदा लूसदा रह जाए। इमाम साहब ने अपनी जनाब ने अपनी गल तो नहीं फिरे, कुरान अल्लाह दी मखलूक नहीं बल्कि कुरान अल्लाह दा कलाम है। यस्मऊन कलाम अल्लाह, अल्लाह फरमांदे ने कुरान दी तीसरी सिफत ए जनाब अल्लाह दा कलाम है, कुरान अल्लाह दा कलाम है। सिफत मसूफ कोया करदे ने अल्लाह को अकबर अल्लाह, इस करके कुरान दी जनाब बंदा कसम खा सकदा है। आ जेड़ा हरफ उत्ते तेनू लिखिया नजर आ रहा है ए स्याही मखलूक है, पर स्याही दे नाल जो लिखिया ओ मखलूक नहीं, ए वरका मखलूक है, वर्के दे उत्ते जेड़ा लिखिया ओ मखलूक नहीं, लिखण वाला मखलूक है, जेड़ी शै लिखी जा रही ओ मखलूक नहीं हैगी ना। अल्लाह को अकबर अल्लाह, कुरान दी तीसरी सिफत अल्लाह पाक ने कुरान नु गैरे मखलूक बना दिता है। अल्लाह को अकबर अल्लाह, ते चौथी सिफत सुन लवो ना, अल्लाह पाक फरमांदे ने वनुनज़िलु मिनल कुरान वनुनज़िलु मिनल कुरान, कुरान किसे बंदे दी किताब नहीं बल्कि मैं रब ने आप नाजिल कर दीती है। किने नाजिल कीती है? एक साडे घर ना कली वाले बंदे लगे ते कुरान दी तलावत लगी, कहंदे किड्डी सोहनी किताब, कहंदे मेरे को पुछण लग पे ये किन्ने लिखी, ये नबी पाक ने लिखी। साडे तो इन्ना नहीं ना पता कि कुरान किसे दी लिखी किताब, ये तो अल्लाह ने मेरे मुहम्मद के सीने उत्ते नाजिल फरमा दिते। मैं कमले आम ये किसी बंदे दी नहीं बल्कि रब दी किताब है। وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اللہ کہنا چاہ رہے نے آ قرآن نو نازل کرن والا رحمان ہے، آ قرآن نو اتارن والا رحمان ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، تے اللہ نے جس رات نو نازل کیتی نا اس رات نو افضل بنا دیتا۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ نے
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਨਾਦਰ ਕੀਤੀ ਨਾਮ ਸ਼ਾਹਰੁ ਰਮਦਾਨ ਅੱਲਜੀ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਫੀਹਿਲ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਅੰਦਰ ਰਮਦਾਨ ਫਰਮਾ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਕਹੋ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹਰੁ ਰਮਦਾਨ ਅੱਲਜੀ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਫੀਹਿਲ ਕੁਰਾਨ ਰਮਦਾਨ ਦੀ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਰਮਦਾਨ ਦੀ ਕਿਵੀਂ ਰਾਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਗਾਰੇ ਖਰਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਮਰ 40 ਵਰੇ ਹੋ ਗਈ ਏ ਔਰ ਜਬਰੀਲ ਹੁਣ ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਮਦਾਨ ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਦਲ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਨਾਮ ਅੰਜਲਨਾ ਗੁਫੀ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਵਮਾ ਅਦਰਾਕਮ ਮਾ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰੀ ਕੈਰੁਮ ਮਿਨ ਅਲਫ ਸ਼ਗਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮਸੀਹ 'ਤੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਓਏ ਗੌਰ ਕਰੀਓ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਖੈਰੁਮ ਮਿਨ ਅਲਫ ਸ਼ਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਏ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾ ਇਲਾਬਾਦੀ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਈ ਕੌਮੀ ਕਈ ਮੁਲਕੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਕਈ ਕੌਮੀ ਕਈ ਮੁਲਕੀ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਔਰ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਸਜਣਾ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਮਦਨੀ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਖਾਵੇ ਜਿੰਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੰਨ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਅਜ਼ਮਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਅਜ਼ਮਤ ਕੁਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਜ਼ਮਤ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਾਨ ਕੁਰਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਏ ਅਗਲੀ ਖੂਬੀ ਸੁਣ ਲਵੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਨੁ ਨਜ਼ਿਲੁ ਮਿਨਲ ਕੁਰਾਨਿ ਮਾ ਹੁਆ ਸ਼ਿਫਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਿਫਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਨੁ ਨਜ਼ਿਲੁ ਮਿਨਲ ਕੁਰਾਨਿ ਮਾ ਹੁਆ ਸ਼ਿਫਾ
अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं कुरान नु शिफा बना दिता है, जस्मानी शिफा रूहानी शिफा। अल्लाह पाक ने कुरान दी वजह करके सप्पां दे ज़ियारां नु खत्म कर दिता है। अल्लाह ने कुरान दी वजह करके पागलां नु सही कर दिता है। आबीर तेनु दो मिसालां देवां, अल्लाह दे पाक पैगंबर कोल हज़रत खारजा बिन अबी सल्त रज़ी अल्लाह को ताला को इन्हां दा चाचा आ गया ने, आके नबी पाक को एन करके मेरे मुहम्मद दे कोल आ गया ने, कलमा पढ़िया। कहता होएगा हुण कलमा पढ़ाओ मैनू कर लो मुरीद जी, अल्लाह सच्चे दी मन्ना मैं फिर सच्ची तौहीद जी, तुसी सच्चे रसूल दिलों हो गई तईद जी, कसम खुदा दी नहीं कोई गुंजैश इनकार दी, चोक हबीब वाली सीने नूं ठार दी। मुसलमान बन गया ते कुरान सीखन लग पिया। की सीखन लग पिया? असीं तां सांगणे आ ना कि कुरान सीखना पैगा। साढ़े बाबे आंदे ना हुण जबान मोटी हो गई, तो सरदार साहब आंदे जबान गालां देण लगे नहीं मोटी होंदी। रात ना होया जे दुआ करो अल्लाह पाक सानू कुरान सीखन वाला बना। नबी पाक ने जदों कुरान पढ़िया, मेरे मुहम्मद की उम्र 40 साल। किन्ने साल? 40 साल। आप संग आई, आप शर्माए, सानू क्यों संग आती है? दुआ करो अल्लाह सानू पढ़न की तौफीक अता। और जिन्हों पढ़ना आता वह तर्जमा पढ़ लैन, और जिन्हों तर्जमा आता वह तफसीर पढ़ लैन। एक कुरान का इलम खत्म नहीं होएगा जब तक तू जिंदा कुरान नाल जुड़ जा। अल्लाह तेरी दुनिया भी बना देंगे, अगला जहान भी बना देंगे। एक हदीस है उनकी सनद के अंदर जो फिर मैं पढ़ता पिया सा, एक बंदा ना नबी पाक को आ गया, कहता मेरे ते फकीरी बड़ी है। आप फरमाते तू कुरान पढ़िया कर, अल्लाह तेरिया सारिया फकीरियां दूर फरमा दे। कुरान पढ़िया करो, अल्लाह सानू कुरान पढ़ने वाला बना दे। चाचू आ गया, नबी पाक को रहन लग पे, कलमा पढ़िया से मुसलमान बन गए, कुरान सीखन लग पे, कई सूरत याद कर लिया, अका में शरिया याद कर लें, आखिर करा वाले करा जाना होंदा है, करा जान लगे इजाजत मेरे मुहम्मद को लैन लग पे। कहते ने सोने तुहाडा मुखड़ा छड़ के जान दिल नहीं करता, तुहाडा नूरानी मुखड़ा तुहाडा सोना मुखड़ा, अल्लाह ने सोने तां बड़े बड़े बना दिते ने, मेरे मुहम्मद नूं सारे जहान नालों सोना बना दिता है। ते किड़ा सोना मेरा नबी, ओए कद काठ सोना ते बनतर बनावट, ओए कद काठ सोना ते बनतर बनावट, हतम हो गई सोने दे उते सजावट, किसे मान अज तक अयोध्या सोना नहीं जनिया, और जिमें अपनी मर्जी मुताबक मुशब्बर ने बस इंतहा कर सुटी, डीरीज नाल तस्वीर कच्ची, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के ते कलम तोड़ दिता। कहना दिल नहीं करता तुहानू छड़ के जावा, पर सुने घर वालों का भी ख्याल है, घर वालों का भी ख्याल है। अल्लाह के नबी फरमांदे ने जम जम जम, ते नबी पाक को रुखसत होया, कहंदा रस्ते अंदर मैं कबीले दे कोलों गुजरिया ना, एक कबीला इन्हां कोलों मैं लंघिया, ते इन्हां नूं पता लगा अद नबी पाक दा नौकर आ रहा है, इन्हां नूं पता लगा अद नबी पाक दा मेहमान आ रहा है, नबी दा नौकर आ रहा है। कहंदे ने सारा कबीला मेरे इस्तकबाल वास्ते इकट्ठा हो गया, सारे निकले। कहंदे नबी पाक दा सियाबी आ रहे, तो आखर अल्लाह सानू भी सियाबा नाल प्यार नसीब फरमा। असीं तां जनाब टीवियां ते बह के सियाबा दे खिलाफ गल्लां करने, असीं तां जनाब टीवियां ते बह के बाजारां चों बह के
यूट्यूब उत्ते चैनल बना के मेरे मोहम्मद सहाबा दी तोहीन करने आम। ओ सहाबा जिन्हां बारे रब कहंदा रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरज़ूअन्हुम, लोगो सुन लो, मैनू पता सी तुसी मेरे नबी दे बेलियां बारे गल्लां करनियां ने, मैनू पता सी तुसी सहाबा बारे जबान दरां दियां करनियां ने। रज़ी अल्लाहु अन्हुम, लोगो सुन लो, मैं अपने नबी दे यारां से राज़ी हो चुकिया वां। ये नहीं आख के मैं राधी होवांगा, आखे मैं राधी हो चुके आवाम, मैं सारियां ते राधी। और मेरे वीर सहाबा नू कर देवेगा, दीन दी बुनियादी खत्म हो जाएगी, सहाबा नू कर देवेगा, दीन दा मामला ही तितर बितर हो जाएगा। आजा सहाबा दा मुहिब बन जा, आजा सहाबा नाल मुहब्बत करन वाला बन जा। इकड़े सहाबा ने असहाब नबी दे प्यारे ने जान डाले सोने ने के नहीं, असहाब नबी दे प्यारे ने। और जिमें तन मन कर दे तारे ने, और जिमें जग मग कर दे तारे ने, और जिना तन मन नबी उत्तों वारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने। ऐवें जिमरे ने गल आ गई जैन तुम मरहबा। मेरे सोने वीर दोवें आ गए ने, अल्लाह इन्हां दा आना कबूल फरमाए। सलमान रब्बानी साहब, हजरत मौलाना हारून यासिर बगवी साहब, अल्लाह मेरे वीरां दा आना कबूल फरमाए। अल्लाह पाक इन्हां दी हिफाजतां फरमाए, अल्लाह पाक इन्हां नूं कदम कदम आपदी हिफाजत दे अंदर रखे। माशाअल्लाह पिछे साड़ी कबीना भी आ गई, मेरे चाचू जफर साहब, अब्दुल्ला साहब, अल्लाह पाक इन्हां हैदरी साहब पूरी क्यादत नूं लैके आए ने। अल्लाह पाक सभना दा आना कबूल फरमा लिया, अल्लाह सभना दा आना अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। ते मैं गल ओ नबेड़न वाले जाना, आ जा भी काका, आ जा, आ जा, सारे तशरीफ रखो। माशाल्लाह मेरे सोने पे अरुण साहब आ गए नी, अल्लाह पाक इन्हां दा आना कबूल फरमाए। अल्लाह पाक थोड़े सारे दी हिफाजत फरमाए। ते सहाबा सारे ही सोने ने, सहाबा सारे ही असहाब नबी दे प्यारे ने, और जिमें जगमग कर दे तारे ने, और जिन्ना तन मन नबी उत्तों वारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने। अबू बकर उमर दी शान लोको, और किमें बयान गोवे, किमें बयान कराम, उस्मान अली दी अजमत तो एक जान गोवे कुर्बान कराम। और ए सारी आका दियां खियां दे तारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने। इन्हां नूं पता लगा अब्दुल नबी पाक दा दीवाना आ रहा है, ये सारा खानदान, ये सारा कबीला निकलिया ना। ये कहंदे ने हज़रत जी आओ असीं तुहानूं अपने कोल मेहमान रखने आं। इन्हां जनाब हज़रत खारजा बिन अबी सल्त इन्हां दे चाचू नूं बड़ी तकरीम दित्ती ना, बड़ी इज्जत दित्ती ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह, ओए परौणियां नूं इज्जत दिया करो ना। नबी पाक फरमांदे ने मन का नयो मिनु बिल्ला,
والیوم الاخر فالشکر ضعیفہم آپ فرماتے ہیں جڑا رب نو رب مندا جڑا قیامت دن تے ایمان رکھدا اینو چاہیدا مہمان دی تکریم کرنا اللہ اکبر اللہ انہاں نو لے کے چلے گئے نا تین دن مہمان بنایا نا او وی جناب ایک بندہ کہندا ہے حضرت جی پہلے دن ہی کہندا ہے میرا ساتھی میرا نوجوان ویر اے اکرم پاگل ہو چکے ہیں ایندا دماغ خراب ہو چکے ہے اینو شنگل مار کے حضرت حاجا بن ابی سلف دے چاچو دے سامنے لے آندا گیا نا کہندے ہیں حضرت جی ایندے بارے کچھ کرو نا تانوں کوئی نہ کوئی قران یاد ہوئے گا تانوں کوئی نہ کوئی گل یاد ہوئے گی حضرت خارجا دے چاچو کہن لگے نا ہاں ہاں مینوں قران یاد ہے حضرت خارجا دے چاچو بیان کردے نے میں تین دن صبح شام اینو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا نا اللہ نے اینو شفاواں عطا فرما دتیاں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اگلی قرآن دی خوبی سن لو سن لو سن لو اللہ پاک فرماندے نے آ جڑا قرآن اللہ نے جدوں قرآن نازل کیتا ہے قرآن دی اللہ پاک نے قرآن دا تربیت کروا دتا ہے ذالک الکتاب لا ریب کوئی جناب مسٹیک تا نہیں ہوگی اللہ پاک فرماندے نے سن لو جاری کر کتاب آ جڑا قرآن میں تانوں دتا ہے لا رہی بافی گی لا رہی بافی گی اینو میں لا رہ بنا دیتا ہے میں اندے وچ کوئی نقص چھڑے آئی کوئی نہیں پرکھن آلے ہم پرکھیا پر نقص لبے آ پرکھن آلے ہم پرکھ کے ویکھیا جانچ کرنے والے ہم جانچ کر کے ویکھیا کئیاں تنقیدی نظریے نال ویکھیا کئیاں کیویں ویکھیا جیڑا ویکھدا گیا قرآن دا رنگ چڑھدا گیا اور کئیاں نو میں جاننا جنہاں قرآن پڑھیا اللہ نے اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دی جاؤ لاہور چلے جاؤ عبد الوارث گل صاحب میرے استاد نے پرانے عیسائی سن مسلمان ہوئے نے کہندے نے میں قرآن دا تنقیدی مطالعہ کیتا اللہ پاک نے مینوں مسلمان بنا دیتا تم کی سمجھنا قرآن ایویں دی کتاب ہے ذالکل کتاب لا ریب فیہ اللہ فرماندے ہیں ایندے تو شک بھی کوئی نہیں ہدل للمتقین اللہ فرماندے ہیں میں نو سارے متقین واسطے سارے جہان واسطے اینو ہدایت بنا دتا ہے گل ویرا لمبی نہ ہو جائے گلوں سرے لاوانا تو قرآن دیاں خوبیاں سنتا پیا اللہ نے قرآن نو عزت دا سر چشمہ بنا دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دلال ایک دن بیٹھیاں بیٹھیاں فرمان لگے نا ان اللہ کا یرفع بہذا الکتاب اقواما اللہ قرآن دی وجہ کر کے لوکاں نو عزت عطا کر دیندے نے لبدی کہ نہیں لبدی سلمان ربانی صاحب اکھان تو نبینے نے آج پورے ملک جو جا کے تبلیغ کر رہے ہیں قرآن دی وجہ کر کے آج میرے پرائی ہارون یاسر صاحب اتھے بیٹھے نے قرآن دی برکت نال کی دی برکت نال قرآن دی برکت نال آج عبداللہ آن بیٹھے نے شیخ عبداللہ صاحب میرے شیخ دوسرے عبداللہ صاحب ایتھے تشریف فرمائے قرآن دی برکت دے نال قرآن عزت دا سر چشمہ قرآن ہدایت دا سر چشمہ قرآن بلندی دا تر چشمہ کئیاں نوں تاں نبیاں نوں کسے اپنے ابن ابزم مکے دے گورنر بن گئے کسے رفع بن مہران غلام سن اینڈ کر کے بصرہ دی مسند حدیث اتے برجمان ہو گئے
अल्लाह ने कुरान की वजह करके बड़े बड़े लोगों इज्जतां दित्तियां ना किते ओ कारिए कुरान जिंदा सब कुछ लुट पुट गया समुंदर अंदर बह गया अल्लाह ने कुरान की वजह करके ओनू जगह भी दित्ती ठिकाना भी दित्ता पिंड की मिंबरी भी दित्ती अल्लाह ने बीवी बच्चे भी अता फरमा दिते अल्लाह के नबी फरमाते ने अल्लाह कुरान की वजह करके लोगों फरमा देंदे ने ते गल मुकन लगी जे वीरो गल मुकन लगी जे आओ तुहानू दस्सदा जावां आ कुरान अल्लाह पाक ने सारे जहान लई कसौटी बना दित्ता अल्लाह ने चैलेंज बना दित्ता है अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं जिहड़ा कुरान तुहाडे वास्ते नाज़िल कीता इहनू परख के वेखो इहदे नाल दी कोई किताब लिया के विखाओ ना इहदे नाल दा कोई कुरान लिया के विखाओ ना सारे जहान ने कोशिशां कीतियां के अरब की जड़ी कौम एक एक पैर से खलो के कई कई शेर कहने वाली कौम कई कई बातें सुनाने वाली कौम जो कुरान आया ना एक जड़े लोग अपने आप अरबी कहते सन अजमी सानू इस करके कहते ने अजमी का मैना हों गूंगा जिन्हू गल ना आवे ना अरबी लोग होंगे ने जेड़े जनाब अपने आप न बड़ी लुगत से माहर लोग कहते ने इन्हों के सामने जदों कुरान अगर तुसी कहते जे मैं अपने बंदे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आ जिहड़ा कुरान नाज़िल कीता ए किसे बंदे ने लिखवा दिता है फिर सारे कट्ठे हो जाओ मेरे कुरान वर्गी एक सूरती बना के विखा दे वो सारे कट्ठे होके कुरान वर्गी सूरत थी बना दो पर बना सके बना सके उन्दे वर्गी ले आ सके आज भी कई कोशिशां कर रहे हैं आज भी कोशिशां पर कामयाब हो सकते कुरान नू अल्लाह ने एको जा बनाया कोई एको जी किताब बनाई कोई नहीं अल्लाह ने कुरान नू किताबे इजाद बना मौजदात नाल भरी हुई किताब और सुन लो कुरान दी वजह करके अल्लाह कईयां दे मामले सीधे फरमा दे कईयां दे मामले कुरान अल्लाह पाक ने इहो जी किताब बनाई है जिंदे अंदर माजी दियां खबरां हाल दियां खबरां आने वाले कल दियां खबरां और कुरान अल्लाह ने कसौटी बना दिता है कुरान वर्गी किताब कोई नहीं मेरे सोहणियो कुरान नूं कंड ना करो कुरान तो मुंह ना मोड़ो जे कुरान नु तुसी कंड कीती ते तुहाडी दुनिया रहनी है ना अगला जहान रहना है और अगर कुरान नाल जुड़ गए आखरी गल सुन लो कल कयामत नु किसे ने काम नहीं आवना अल्लाह ने कुरान नु सिफारशी किताब बना दिता है नबी पाक फरमाते हैं इकराउल कुरान फइन्नहु याती यौमल कियामा शफीअन लिअसहाबिही कल कयामत नु कोई किसे दा साथी नहीं होएगा लेकिन कुरान तुहाडे नाल खड़ा होएगा कहेगा या अल्लाह अल्लाहुम्मा हल्ले की खिलियतल कराम या अल्लाह आप साफ दुनिया से तू इन सोना हराम किया अल्लाह जी मैं लैके आ गया इन बहू कंगना के नाल भर छड़ कंगना के नाल भरी जाएगी फिर अल्लाहुम्मा हल्ले की ताजल कराम या अल्लाह दुनिया से तो कपड़े की टोपी सी अज मैं कुरान है सिर से सोने का ताज रख दे ते फिर अल्लाह पाक फरमान फिर अल्लाह नु कहेगा अल्लाहुम्मा हल्ले की किस्मतल कराम अल्लाह दुनिया ते जे हो जा कपड़े लभदे सन पा लैंदा सी अरशा वालिया अज नु जंती हुल्ले नसीब फरमा दे फिर आखरी सिफारिश कहेगा या अल्लाह हुण एक गल रह गई अल्लाह फरमानगे ओ केड़ी कहेगा अल्लाह सोणिया इहदे ते राजी हो जा इहदे ते राजी हो जा अल्लाह कहणगे मैं राजी हो गया हुण तू पिछा हट जा हुण मेरा काम है अल्लाह सुने तेरा भी काम है युकाल उली साखी बिल कुरान एक चबूतरा बनया होएगा तफसीरा वाले लिखे एक चबूतरा बनया होएगा अल्लाह कहेगा आप साहब जरा इत्थे बुलाओ इत्थे आ जाओ आप साहब आवाज आ रही होगी अल्लाह सानू सारे सारे नु उना अंदर शामिल फरमा रहा आप साहब आ जाओ कुरान पढ़ने वाले आ जाओ खड़ा कर लिता जाएगा खड़ा कर लिता गया अल्लाह कहेगा इकरा वरतकी वरतिल
कमा तुरत तिरु फिर दुनिया उनकी आवाज आ रही होगी, वह मुहातब हो रहा होएगा, इहदे नाल खिताब किया जा रहा होएगा। अल्लाह कहण के पढ़ता जा ते मंजिला चढ़ता जा, फिर पढ़ेगा फिर अली फलाम मीम तो शुरू होएगा। अल्लाह दसन के फलानी सूरत फलानी सूरत फलानी सूरत ए सुनांदा जाएगा, नाज दी शीन उत्ते अल्लाह ने तेरी जन्नत महल तैयार कर दिता होएगा। मेरे भाइयों कुरान सिफारशी किताब है और कुरान वालों का अदब करया करो, इख्तराम करया करो, जरा थोड़ी मस्जिद का कारी है मस्जिद का मौलवी है इन मुहब्बत करया करो। अल्लाह ने इन्हों उलामा उलामा नबिया का वारिस बना दिता है, इन्होंने तमीज न प्यार नल। और एक हदीस मैं पढ़ रहा सा, आप फरमाते हैं कि अल्लाह की इज्जत के बच्चों हिस्सा कि बंदा कुरान वाले का इख्तराम करे, बंदा कुरान वाले की इज्जत करे। जिमें बुढ़े की इज्जत करना है जी, जिमें अल्लाह की इज्जत करता पाया ना, इवें कुरान वाले की इज्जत करना है जी, जिमें बारी ताला की इज्जत करता है, क्योंकि कुरान वाले का नुमाइंदा है, ये कुरान वाले का नुमाइंदा बन के तुम कुरान सुना रहा है। अल्लाह सानू सारे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह।